हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिवाली की खुशियों के बीच एक दुखद खबर भी आई। बिहार के मुंगेर में दिवाली के दिन एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के चौक बाजार पर एक गोदाम और घर में भीषण आग लग गई। जिस गोदाम और घर में आग लगी वो कपड़ों का गोदाम बताया गया है। दरअसल श्री वस्त्रालय के मालिक संजय चमरिया दीपावली की पूजा करने अपने प्रतिष्ठान श्री वस्त्रालय गए थे। खबर के मुताबिक पूजा कर जैसे ही वो घर लौटे उन्हें पता चला कि उनके घर के ऊपर बने गोदाम में भीषण आग लग गई। इसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन की तरफ से आग की वजह लोग रात भर परेशान रहे। प्रशासन की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई आग बुझाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। और ये स्थिति आप देख रहे हैं उस वक्त की, जब आग बुझाई जा रही थी, किस तरीके की यहां पर अफरा तफरी मच गई। कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी और दिवाली पूजन के कुछ देर बाद ही घर और उसके ऊपर बने गोदाम में आग लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। ये बिहार के मुंगेर में भीषण आग लगी दिवाली के मौके पर। बड़ी बात यह रही कि जान का नुकसान यहां पर नहीं हुआ, लेकिन किस तरीके से भीषण आग यहां पर लगी दिवाली के दिन, ये हम आपको दिखा रहे हैं।